हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई ए एस पी एस दोस्तों ये हमारा ई का प्रैक्टिस सेशन टू है इससे पहले मैंने पहला पार्ट करवा रखा लेकिन काफ़ी दिन पहले करवाया था तो उसमें आपका जो जैसे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं माध बनवाता हूँ अभी शायद फॉर्म डाले जा रहे हैं इसलिए लोग सी पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन ई काफी अच्छा वेटेज है और काफ़ी कुछ देगी एग्जाम में आपको तो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ आपके लिए आप खुद जाँचिए आपको कितना आता है फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा और आपको सही लगे तो बताइए मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दूँगा फिलहाल तो प्रैक्टिस सेट है आप अपने को जांच ठीक है और ई ट ई वी एस सी टैट के लिए सी टैट सुपर टैट और यूपी टैट सब में यही आता है कुछ नया नहीं है ठीक खास नहीं है पहला क्या चिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है छत्तीसगढ़ से झारखंड से बिहार से उत्तराखंड से तो आपने अगर इसका आंसर लगा लिया तो मैं बताता दूँ उत्तराखंड से है ठीक है नहीं सकते हैं न्यू इनमे से कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा में नहीं मतलब इनमें से एक एयरलाइन है जो सेवानिवृत्त हो चुकी है तो कौन सी एयर इंडिया है किंगफिशर है एयर सहारा या जेट है या आप आसानी से मार लेंगे इसका आंसर तो क्या आंसर हो जाएगा इसका एयर सहारा क्योंकि ये तो बैंक्रप्ट हो चुकी है सहारा कंपनी बैंक हो चुकी है सुप्रत राय बैंक्रप्ट हो चुके, हो चुके, हो चुके। नेक सकते हैं इसीलिए ने नेक्स्ट देखते हैं नहीं उनमें से कौन सा युग ठीक नहीं है मतलब इनमें से एक जो मैचिंग गलत है क्या जूट रेशमी वस्त्र गन्ना चीनी अब अभर, अभ्रक विद्युत उपकरण या फिर कपास सूती वस्त्र तो, 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 तो गन्ना से चीनी है ये भी सही है कपास सूती वस्त्र बनते ये भी सही है अभ्रक से अभ्रक विद्युत उपकरण हाँ ये भी सही होता है मतलब लेकिन जूठ से रेशमी वस्त्र ये आप देखिए कि गलत है क्योंकि जूट से रेशमी वस्त्र का इससे तो रस्सियाँ बनती हैं या फिर झाड़ू बनती है ठीक है रेशमी वस्त्र रेशम से बनते हैं नेक्स्ट सकते हैं बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है क्या इंदिरा गांधी सेतु है या फिर महात्मा गांधी सेतु या फिर जवाहर सेतु या फिर बिहार सेतु है कौन सा है महात्मा गांधी सेतु ये सबसे बड़ा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता अगर ये विटामिन मतलब कम हो जाए तो हमारा घाव रक्त बेहतर रहेगा विटामिन ए है विटामिन बी है विटामिन सी है विटामिन के है आप लगा लीजिए आंसर इसका तो आपने इसका आंसर लगा लिया इसका आंसर क्या है विटामिन के ठीक है नेक्स्ट सकते हैं चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग रो कौन सा है ये भी आपको पता है चेचक मलेरिया प्लेग तपेदिक ये तो नहीं होता ना ये होता ना ये होता, होता कौन सा होता प्लेग होता ठीक है नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक समीकरण क्या है मतलब प्राथमिक समीकरण है क्या देखिए शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना किशोरावस्था में समाज से सीखना प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना प्राथमिक स्तर क्या होता है जब अपने फैमिली वालों से हैं जब बच्चा फैमिली वालों से सीखता है फैमिली के माहौल में रहता है अपने परिवार के माहौल तो में जब शुरुआती चरण होता है स्कूल से जाने का चरण स्कूल मतलब स्कूल से एडमिशन पहले हम लोग तो, घर में जो सीखते हैं वही होता है प्राथमिक तो क्या शुरुआती उम्र में परिवार मित्रों से सीखना ठीक है न्यून में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं कौन सी खरीफ की तो देखिए कौन सी चावल नहीं है गन्ना नहीं मक्का नहीं गेहूँ नहीं तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर क्या होगा गेहूँ गेहूँ कहाँ की फसल है रबी की फसल है आपको ये पता नहीं चाहिए कितने तरह फसल होती है रबी होती है एक खरीफ की होती है और एक होती है जायद किसकी जायद खरीफ की फसलें देखो कौन कौन सी बाकी ये सब खरीफ फसलें हैं मक्का गन्ना चावल ठीक है और रबी फसल कौन सी होती है गेहूँ होती है आलू होता है सरसों होती है ये जो सर्दियों में होती है रबी मतलब सर्दियाँ खरीफ मतलब गर्मियाँ और बाकी जायद की कौन सी होती है खीरा ककड़ी ये सब कैसी होती है तरबूज खरबूज ये सब जायद की फसल मतलब जायद की फसल पता क्या होता है जैसे कि जो गर्मियों शुरू होने से पहले जो शुरू हो, जैसे कि अप्रैल मई के महीने में जो हो जाती हैं मार्च अप्रैल के महीने में वो होती है ठीक है ज्यादा हो सकती है नहीं सकते हैं न्यून वैसे कौन सा पदार्थ संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है तो देख लेते हैं पशुमल नहीं होता खनिज तेल नहीं होता जाय कचरा या मल कौन सा नहीं होता है? तो तो पशुमल भी होता है खनिज तेल भी होता है जैव कचरा भी होता है लेकिन मानव मल इसका कोई यूज़ नहीं ठीक है नहीं देखते हैं मार्क राष्ट्रीय पक्षी ये बताऊंगा मैं ऑप्शन भी इसका आप ऐसे मान लो ठीक है मैं देख नहीं रहा हूँ इसका आंसर मोर होता है ठीक ऐसा देखता हूँ खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है मतलब खाद्य श्रृंखला जो हमारी फूड चेन होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है एक दिशी होता है फिर बहुत दिशा होता है फिर चक्रीय होता है उभय दिशी होता है मतलब एक दिशा में चलता है फिर बहुत सारी दिशाओं दिशा दिशा में चलता है ऐसे 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 करके या फिर गोल गोल घूमता है या फिर इधर इधर दो तरह चलता है नहीं ये देखिए कैसा होता है जैसे कि सबसे पहले क्या होता है घास होती है इसे खाने वाले एनिमल फिर इसे खाने वाला मतलब शेर खाएगा फिर मर जाएगा से पक्षी खाएंगे तो ये देखो एक दिशा में चलता है जाता ये इतना ही होता कि घास को परे शेर खा लेगा फिर शेर को गाय खा लेगी गाय को ऐसा नहीं होता ये तो कैसा होता सीधी है सीधे दिशा में चलता ठीक है यही बोलता है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है तो हमें ऊर्जा प्राथमिक स्रोत के कहाँ से ऊर्जा मिलती है सबसे पहले हमें सूर्य से मिलती है उसी से तो उसी प्रेजेंट में तो खाना बना पाते हैं पेड़ पौधे तो सबसे पहले स्रोत क्या है यही है सूर्य का प्रकाश ठीक है हैं बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है नहीं कि बिहार राज्यों लीचे तो कौन सा जिला सबसे आगे है क्या गया है पटना है मुजफ्फरपुर है फिर जहानाबाद है कौन सा है मुजफ्फरपुर ठीक है देख सकते हैं। <laughs> बिहार के निवासी को मुख्य भोजन पूछा गया क्या? क्या है यह भी आप सब जानते होंगे गेहूँ मक्का बाजरा और चावल कौन सा होता है कौन सा होता है चावल वो लोग बहुत खाते हैं चावल ठीक है देख सकते हैं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे लंबी नदी कौन सी है मतलब कहाँ से इधर से इधर आती है नहीं ईस्ट से वेस्ट की हो ठीक है कौन सी साबरमती है नर्मदा है ताप्ती है फिर लूनी है तो आपने इसका आंसर लगाया इसका आंसर क्या होगा नर्मदा नर्मदा कितनी लंबी है तेरह सौ बारह किलोमीटर इसकी लंबाई भी आप लिख लीजिए ठीक है देख सकते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ कर समझ का सृजन करते हैं मतलब बच्चे दुनिया के बारे में समझ खुद बनाते हैं कि ये ऐसी दुनिया है वैसे दुनिया बच्चे बनाते खुद को ये कथन किसने नहीं देते तो किसने देते पावलो ने नहीं देते फिर प्याज ने है कोटल बाग नहीं है किस किनर तो किसने ये प्याजन ने बात बोली थी कि बच्चे अपनी समझ खुद बनाते हैं ठीक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है क्या तकनीकी है सत्र मूल्यांकन या फिर अर्धवार्षिक मूल्यांकन या फिर इकाई मूल्यांकन या फिर निदानात्मक मूल्यांकन मतलब जो ये ये मूल्यांकन है तो सत्य व्यापक ये किस में यूज होता है किस में होता है बहुत व्यापक क्षेत्र में निदानात्मक मूल्यांकन जब हम किसी निदान करते हैं ठीक है एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है तो देखते कौन सी विशेषता नहीं है वैधता विश्वसनीयता या फिर वस्तुनिष्ठता या फिर उत्तीर्ण करना अब आप ये बताइए कि हम किसी को पास कर देंगे ये कोई अच्छा परीक्षण होता नहीं उसकी वालाटी देखेंगे उसकी विश्वसनीयता देखेंगे उसकी वस्तुनिष्ठता देखेंगे लेकिन उत्तीर्ण करना ये कोई लॉजिक नहीं होता ठीक है या तो हम किसी को पीछे लेकर जा रहे हैं बस जबरदस्ती तो ये गलत है नेक्स्ट हमारा क्या है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं मैंने बच्चे अक्सर रटते हैं क्या हम लोगों ने क्वेश्चन आटर लगवा दिए बच्चे रटना शुरू कर दिए लगो तो रहे भी रटेंगे बच्चे दीर्घ तो रटते ही रटते हैं और निबंध भी भैया रटते ही रटते हैं बच्चे की बात हो रही बड़ों की नहीं आप नहीं बताइए बच्चों की को बताइए बच्चों के लिहाज से आप सोचा करें चीज़ अगर हमसे वैसे पूछेंगे ओरल टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप एम सी क्यू से हमें तो बता देंगे बच्चे मैं ऑप्शन मैं क्वेश्चन पूछूंगा भारत के पीएम कौन है ये फिर नहीं और, और छोटी चीज़ें तो बता देंगे वो ऑप्शन देंगे हाँ ये होते हैं क्योंकि वो रटेंगे नहीं समझेंगे फिर वो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण तो आवश्यक है मतलब पौधों का खंड विभिन्न भागों का शिक्षण करें तो क्या आवश्यक है बच्चों के लिहाज से सोचना है हमेशा अपने हिसाब से नहीं पाठ्यपुस्तक का श्याम पट्ट का या पौधों का चित्र दिखाएं फिर पौधों का अवलोकन करें तो पाठ पुस्तक दिखाने से बच्चा कुछ समझेगा नहीं रटेगा हर चीज़ श्याम पट्ट में भी वो कुछ चीज़ नहीं समझेगा पौधों को चित्र दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं उसका अवलोकन करवाया जाए उससे कि देखो ये पौधा होता है पौधे के पास लेकर जाओ बच्चों पढ़ाओ देखो ये पत्तियाँ होती हैं ये तना होता है ये देखिए इसमें रंध्र होते हैं या वो जो भी हो जड़ होती है ऐसा करके बताइए लड़के लड़कियों की अच्छा अधिक बुद्धिमान होते हैं मतलब ये कथन है कि लड़के जो लड़कियों के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं ये कैसा कथन है सही है क्या ये फिर सही हो सकता है या बुद्धि के विभिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है मतलब किसी बुद्धि ऐसी हो होती है ऐसी है या फिर ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है क्या जेंडर स्टेडियो टाइप से आप खुद जानते होंगे कि ये तो एक बेकार सी चीज़ है कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है ऐसा कुछ नहीं होता है लड़कियाँ भी बहुत बुद्धिमान होती हैं आपके सामने खुद एग्जाम्पल काफ़ी है मैं देंगे नहीं तो ये बिल्कुल गलत है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है ठीक है जेंडर स्टेडियो नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिहार राज्य में कक्षा पाँच तक पर्यावरण अध्ययन कैसा हो का विषय कैसा विषय मतलब एकीकृत है उप विषय है समन्वित तो है फिर वैकल्पिक है, है तो बिहार राज्य में कैसा विषय है एकीकृत है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मतलब नहीं हम लोग पिकनिक पर जाते हैं टूर पर जाते हैं जैसे पिकनिक टूर पर जाते हैं हम लोग ईवीएस के अध्ययन के लिए तो ये क्या कहलाता है पिकनिक मनाने के लिए मतलब से जाते हैं हम लोग ये मनोरंजन करने जाते हैं या फिर सरकारी योजना का निर्वाह करने जाते हैं ना प्रत्यक्ष अनुभव करने जाते हैं हम लोग क्या साक्षात अनुभव करते हैं कि हाँ ये पेड़ होते हैं और ये देखिए हैविटाइट इनका ये होता है और ये जानवर यहाँ रहते हैं और शेर ये खाता है और ये ये माद होती है इसकी ऐसे करके नहीं तो ये बच्चों को पढ़ाया जाता है सर इसीलिए ये मनो प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जाता है नहीं देखते प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण करने के लिए कौन सी विधि मतलब प्राइमरी लेवल पर कौन सी विधि यूएस के लिए सबसे प्रभावी है कौन सी है योजना विधि हम बच्चों से योजना बनवाएंगे ले बनाओ जाके आप प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं करेंगे व्याख्यान वोलम्बल में व्याख्यान देंगे ना ना वहाँ पर डिबेट करवाने लगे बच्चे जानते नहीं इसके बारे में क्या करेंगे कहानी सुनेंगे उन्हें बच्चों को बहुत प्यार से कहानी सुनेंगे बच्चे कहानी माध्यम से सब समझ समझाते तो यही विधि इसीलिए यह सबसे बेस्ट है कहानी विधि ठीक है निम्न में कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है कैसा अभिप्रेरित यानी कि अच्छी चल रही कक्षा आपकी मतलब मोटिवेटेड है कच्छम अधिकतम उपस्थिति या फिर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में एकदम खामोशी या है ग्रहकार पूर्व करना तो ग्रहकार पूर्ण करना ही तो आपका डर हो सकता है ठीक है अधिकतम उपस्थिति ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ वो भी अपने पेरेंट्स घर वालों बच्चों भेजते हैं कि जाओ जबरदस्ती भेजते नहीं बच्चा जाता तो ये भी कोई प्रॉब्लम कच्छा में एकदम खामोशी ये तो भी ये भी कोई एक तरह से डर ही है आपके मतलब कोई बोरिंग है एक तरह से बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अगर बच्चा आपके लिए क्यूरियस प्रेस बच्चे घर क्लास का माहौल बहुत ही अच्छा है वो बच्चा किसी डरता नहीं है बच्चा के मन में सवाल आ रहे हैं आप उसका निदान कर रहे हैं तो बच्चा बहुत खुश है तो ये सबसे बेटर है ठीक है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है कौन सा नहीं है वायुमंडल नहीं है सौर मंडल नहीं है या जलमंडल नहीं है। तो ये तो तीनों होते हैं मानव से क्या मतलब इसका ठीक है तो यही गलत है मानव मानव ठीक है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या चीज होती है यानी कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या होता है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है या फिर पिछले सीखे हुए नए अधिकम से अलग करती है मतलब ये कह रहा है कि मतलब हमने जो पीछे सीखा वो अलग कर देगी ना अगर हम मोटिवेट करेंगे ऐसा होगा क्या या yeah, हम लोग मोटिवेशन करेंगे तो वो थिंक ज़्यादा करने लगेगा उससे सोचना सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों की ना ही याददाश्त बढ़ जाती है उससे मोटिवेट क्या करते हैं बच्चों के इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ मतलब मोटिव एकदम से नहीं उत्साहित हो तो जाता है यस मैं भी करके दिखाऊंगा कर, मैं भी करूंगा हमें इसीलिए मोटिवेटेड करना चाहिए बच्चों ना ना के सीखने प्रति रुचि का विकास करती है उनके इंटरेस्ट जगाती है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को कौन सा चैनल देखने सुना देंगे ईवीएस के लिए तो ईवीएस के लिए कौन सा चैनल देंगे आप बताइए जिसमें जानवर आते हो प्लान के बारे में पता हो पेड़ पौधे के बारे में बताते हो जोग्राफी बताता है डिस्कवरी भी बताता है एनिमल प्लान भी बताता है तो ये सभी है ना तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका सभी होंगे बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण मतलब ये बोल रहा है लंबल में क्वेश्चन ये कर रहा है जो बिहार राज्य में ईवीएस का पाठ्यक्रम तैयार करता है तो वो कौन तैयार करता है क्या एन करता है या फिर एम करता है या फिर एस सी ई करता है एन अब बिहार एक राज्य है राज्य में स्टेट की काम होता है तो स्टेट वाला कौन सा होता है एस सी आर टी स्टेट सी आर टी ठीक है समझ गया अगर नहीं समझिए यही होता है बीज अंकुरण की सबसे प्रभावी मतलब बीज को अंकुरण का सबसे प्रभावी तरीका है पढ़ाने का पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका इफेक्टिव वे बताने कि कैसे हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं बीज अंकुरण तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है क्या है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाने मतलब हम बीजों का जो अंकुरित होते हैं उनका फोटो दिखाते हैं बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ये ऐसे होता है ऐसा तो नहीं होता है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को बताएँ ये भी नहीं बच्चे इससे समझ नहीं पाएंगे कक्षा में अच्छा, अंकुरित बीजों को दिखा अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना हाँ ये कुछ हो सकता है माता में ये कुछ परसेंट सही है लेकिन अगर इससे बेटर तो पहले ये ढूंढते हैं हम लोग इसमें हो सकता है दो तीन आंसर आपको सही लगे लेकिन बेटर से बेटर जो ये भी आंसर सही है ये ट्वेंटी फाइव परसेंट सही है हाँ ये भी हो सकता है लेकिन इससे बेटर क्या है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना सबसे बेटर यही आंसर है ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर सेक्शन हमारा तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और इसे आगे तक पहुँचाइए आपके बहुत यूज होने वाला हो है और मैं ऐसे हीस का और इंग्लिश का दोनों का लेकर आऊँगा ठीक है आपके लिए थैंक यू वेरी मच आपका दिन शुभ हो